आवाज 1984 की हिंदी एक्शन क्राइम फिल्म है जो शक्ति समद्दार निर्देशित है, जिसमें राजेश खन्ना मुख्य भूमिका में है और जया प्रदा, राकेश रोशन, सुरेश ओबेरॉय, सुप्रिया पाठक, इफ्तिहार प्रेम चोपड़ा, मदन पुरी और अमरीश पुरी द्वारा समर्थित है। संगीत आर डी बर्मन का है, राजेश के लिए किशोर कुमार और महिलाओं के लिए आशा भोसले ने गाने गाए हैं। इस फिल्म ने 1977 में अनुराग के बाद शक्ति राजेश टीम की पहली वापसी को चिन्हित किया था। वकील जयंत एक आपराधिक वकील का मानना है कि एक वकील का कर्तव्य अकेले अपने ग्राहक की सेवा करना और उसे उसकी परेशानी से बाहर निकालना है, भले ही उसका ग्राहक वास्तव में एक अपराधी हो। उसका करीबी दोस्त अमित एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर है जो मूलचंद मल्होत्रा के नेतृत्व वाले तस्करों के गिरोह के कई गुंडों को लगता है, लेकिन जब वह अपने कौशला और कानून की खामियों के बारे में ज्ञान का उपयोग करता है तो उन्हें अदालत द्वारा छोड़ दिया जाता है। जयंत मूलचंद को उसके कर्मचारियों को जेल से छुड़ाने में मदद करता है। अमित गुप्ता ने जयंत से बार बार अपराध करने वाले अपराधियों का बचाव करते समय अधिक जिम्मेदार होने के लिए कहा। बाद में अमित की हत्या को हो जाती है और वह अमित के भाई विजय को पुलिस बल में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। इस बीच प्रिया को विजय से प्यार हो जाता है और दोनों शादी करने का फैसला करते है, लेकिन एक दिन पिकनिक पर जाते समय अन्नू और प्रिया मुसीबत में पड़ जाते हैं क्योंकि जंगल के पास सड़क पर उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है। वह एक शराबी जो मूलचंद का बेटा होता है अन्नू के साथ बलात्कार करता है और पिया को घायल कर देता है। अपमानित होने पर अन्नू ने आत्महत्या कर ली। जयंत को यह भी पता चलता है कि उसके दोस्त अमित की मौत अक्षित नहीं थी बल्कि कुछ गुंडों द्वारा जानबूझकर किया गया प्रयास था और बलात्कारी मूलचंद और उसके गिरोह के सदस्यों का एक परिचित व्यक्ति है। असली दोषियों को ढूंढने के लिए जयंत अपने ग्राहक को मूलचंद और मीरचंदानी की मदद लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वे प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। जयंत हमलावरों को ढूंढने की कसम खाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कोशिश कर पाता उसकी बेटी नदीता का अपहरण कर लिया जाता है। अपहरणकर्ता चाहते हैं कि जयंत एक आपराधिक मामले में मूलचंद के बेटे का प्रतिनिधित्व करे और उसे बरी कर दे। मूलचंद का कहना है कि उनकी बेटी उनके साथ है और उनके बेटे को अदालत में छोड़ दिया जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। जयंत ने अपने मुकाबिक को जमानत पर रिहा कर दिया। जयंत को नहीं पता कि उसके ग्राहक वही है जिसने उसकी पत्नी और बहन के साथ बलात्कार किया था, और जब जयंत को पता चलता तो वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बेटी अभी भी अपहरणकर्ताओं के नियंत्रण में है। बाकी कहानी यह है कि कैसे वह अकेले ही उन सभी को न्याय के कटघरे में लाता है। आवाज़ को दर्शकों और समीक्षाओं ने खूब सराहा था। इसे बॉलीवुड गाइड कनेक्शन में 3 स्टार मिले। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट भी रही थी।